क्या आपको पता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी? गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। ये लोगों की आस्था का केंद्र भी है। गंगा की नदी हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दौरान गंगा नदी विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती है। क्या आप इन राज्यों का नाम बता सकते हैं? गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। उद्गम की बात करें तो गंगा हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। महाभारत से जुड़े 6 शहर जो आज भी मौजूद है। उत्तराखंड में व्यास नामक गुफा स्थित है, जहां वेद व्यास जी ने गणेश भगवान की मदद से महाभारत लिखी थी। उत्तराखंड में सूर्यकुंड नामक जगह है, जहां कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। उत्तराखंड में एक गांव है पांडुकेश्वर। माना जाता है कि पांडवों के पिता ने अपने श्राप का प्रायश्चित करने के लिए यहां तपस्या की थी। उत्तराखंड में द्रोण सागर झील है, जो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए बनवाया था। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे और अपने पापों को धोना चाहते थे, मगर तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था। ऐसे में जब भी पांडव उनकी पूंछ पकड़ते थे, वे 5 अलग स्थानों पर गायब हो जाते थे। इसके बाद पांडवों ने 5 जगह शिव मंदिर की स्थापना करवाई, जो पंच केदार के नाम से जाना जाता है। महाभारत में भीम क्यों जलाना चाहते थे युधिष्ठिर के हाथ? महाभारत के युद्ध का कारण कौरवों का पांडवों को जुए में हराकर उनका राज्य छीन लेने का माना जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक और कारण था। माना जाता है कि जुए में युधिष्ठिर द्वारा अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाना और फिर उसे हार जाने के बाद कौरवों द्वारा उसका चीरहरण करना ही महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ था कि भाइयों को बेहद प्यार करने वाले महाबली भीम अपने बड़े भाई युधिष्ठिर पर इतना भड़क गए थे कि उनका हाथ जला देना चाहते थे। दरअसल भीम द्रौपदी के अपमान के बाद इसे लेकर सबसे ज्यादा नाराज थे कि ये अपमान युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुए में दाव पर लगाने के कारण हुआ है। प्रचलित कथा के मुताबिक भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि जुए में हारे हुए धन पर मुझे क्रोध नहीं है, लेकिन द्रौपदी दाव पर लगाकर आप उसे भी हार गए, इस बात पर बेहद क्रोधित हूँ। भीम ने आगे कहा, द्रौपदी को भरी सभा में अपमान करने में यदि कौरव सक्षम हुए तो उसका कारण आप है। आपके कारण ही उसकी ये दशा हुई है। द्रौपदी के इस अपमान करने का कारण बने आपके हाथों को जला दूंगा। मान्यता है कि भीम इतने गुस्से में आ गए थे कि युधिष्ठिर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके बीच में अर्जुन आ गए और उन्हें समझाने लगे। अर्जुन भीम को समझाते हैं कि युधिष्ठिर ने जो किया वो क्षत्रिय धर्म के तहत किया। इस पर भीम शांत होकर कहते हैं कि मैं ये जानता हूं और इसी कारण चुप हूं। क्या आपको पता है दिल्ली कब बनी थी देश की राजधानी? अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता थी। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए दिल्ली को बेहतर जगह समझा। अंग्रेज राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का आदेश दिया और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को डिजाइन का काम सौंपा गया। 4 साल में काम पूरा होना था। पहले विश्व युद्ध के चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई। 20 साल बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली का पहला जिक्र महाभारत में मिलता है। पांडवों ने इसे इंद्रप्रस्थ के तौर पर बसाया था। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे गहरी लैब, जो कि जमीन के नीचे चीजें खोज रहा है। चीन से हमेशा से ही हैरान कर देने वाली खबरें आती रहती है। कभी वो आसमान में मैनमेड सूरज बनाने की कोशिश करता है तो कभी चांद पर बस्तियां बनाने को कहता है। अब खबर आई है कि चीन ने दुनिया की सबसे गहरी लैब बनाई है। ये धरती से 2.5 किलोमीटर नीचे है। चीन यहां पर काम करना शुरू कर चुका है और आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि चीन आखिर किस चीज की खोज कर रहा है। इसका जवाब है कि चीन जमीन के इतने नीचे डार्क मैटर ढूंढ रहा है। उसने खुद इस बात का दावा किया है। डार्क मैटर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया इसी से बनी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद, तारे, सूरज और ग्रहों के बीच तालमेल इसी डार्क मैटर के कारण बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इतना गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं कि वो सभी चांद, तारे, सूरज और ग्रहों के ऑर्बिट को बांध कर रख सके। वहीं चीनी सरकार की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि जिस लैब में चीन काम कर रहा है उसका नाम जिनपिंग लैब है। इसे 3 साल में बनाया गया है। कौन सा शहर है जिसे उल्टा पढ़ो या सीधा, कोई फर्क नहीं।
अब आप सोचेंगे वाकई क्या ये मुमकिन है, लेकिन ये सच है। एक ऐसा मशहूर शहर है जिसे आप सीधा पढ़ो या उल्टा, आप गलत नहीं हो सकते। अक्सर ऐसे सवाल पूछने का उद्देश्य मनोरंजन होता है, लेकिन देखा जाए तो ये एक IQ चेक करने का सवाल है। IQ का मतलब सिर्फ याददाश्त से नहीं होता है, बल्कि आप कितने सूझबूझ से, कितने अच्छे एंगल से लोगों को जवाब देते हैं, ये भी महत्व रखता है। ये शहर किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि अपने देश भारत में ही है। आंसर है कटक, जो कि उड़ीसा राज्य का एक शहर है। उड़ीसा भारत का एक पूर्वी भारतीय राज्य है। ये देश के सबसे पुराने राज्यों में से एक है। ये राज्य का महत्वपूर्ण शहर होने के अलावा जिला का मुख्यालय भी है। कटक शब्द का नाम संस्कृत शब्द कटका से लिया गया है, जिसके दो अर्थ है, एक सैन्य शिविर और दूसरा सेना द्वारा संरक्षित सरकार की सीट। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ किला भी है, जो प्राचीन बाराबती किले का संदर्भ देता है, जिसके चारों ओर शहर का विकास हुआ। गौरतलब है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि भुवनेश्वर से पहले कटक यहाँ की राजधानी थी। स्पेस में जाने का कितना किराया। साल 1961 में पहली बार यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष को करीब से देखा था, लेकिन आज तो स्पेस टूरिज्म के लिए भी अवसर खुल गया है। इतना ही नहीं, कई कंपनियों ने अंतरिक्ष यात्रा कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन केवल कुछ ही कंपनी लोगों को शहर कराने में सफल हुई है। इनमें सर रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक मशहूर नाम है, जिसमें एक यात्री की टिकट 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है। वहीं अभी जेफ बेजोस की कंपनी की कीमत अभी तय नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टिकट 2.5 करोड़ रुपए की हो सकती है। वहीं भारत की स्पेस एजेंसी भी स्पेस टूरिज्म कराने का प्लान बना रही है। आपका स्पेस टूरिज्म के बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।